हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शेफाली अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर सेकंड है ये। इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे। हमने इसका थ्योरी हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनके जनरेशन्स क्या होती हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ही ये एमसीक्यूज हैं और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो जल्दी से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला गया है, बोला जाता है? ए डैनिस रिज, सी विंड साफ, थर्ड चार्ल्स बेबेज, फोर्थ टिन बर्नर्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डैश इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रोसेस करती है डाटा को और कन्वर्ट कर देती है इंफॉर्मेशन में। तो फोर दे रखे हैं ऑप्शंस। फर्स्ट इज कंप्यूटर, प्रोसेसर, स्टाइल्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है फर्स्ट, कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से जनरेशन से रिलेटेड है हमारा, वो है हमारा, आपको पता ही होगा, थर्ड जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ की थी। राइट, आपको ये याद होगी जनरेशंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ पर्सन, कंप्यूटर इज़ अ रोबोट और अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है थर्ड, कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर एक रोबोट नहीं है, कंप्यूटर एक पर्सन भी नहीं है, वो एक मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। हमें करेक्ट ऑर्डर में जो फोर फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, वो हमने लिखने हैं। तो फर्स्ट ये रखा है प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर होता है, इनपुट होता है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है और फिर स्टोरेज होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाता है हमारा, फोर्थ ऑप्शन बन जाता है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, मैंने आपको अभी बताया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज होता है। इसमें फोर ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब्स। राइट, देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब है इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो कंप्यूटर की जो टर्म है वो कौन किससे ड्राइव करती है, लैटिन से, क्योंकि कंप्यूट वर्ड था जिससे कंप्यूटर वर्ड बना, तो ये है लैटिन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वर्ड लेंथ ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes या 64 bytes या फिर नन ऑफ दीज। वर्ड लेंथ अपनों को बतानी है जो पर्सनल कंप्यूटर की होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, 64 bytes हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो पर्सनल कंप्यूटर में वर्ड लेंथ होती है वो होती है 64 bytes। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, स्टोरेज यूनिट कहते हैं, CPU कहते हैं मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फोर्थ स्टोरेज यूनिट कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारा थर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि CPU। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, कौन सा ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म नहीं कर सकता, कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रोसेसिंग वो करता है, कंट्रोलिंग भी उसके अंदर करता है, इनपुटिंग भी करता है, तो वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस हमारा फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन है? पास्कल कैलकुलेटर, इनिक, मार्क वन, एबकस या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा फोर्थ, एबकस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। आगे चलते हैं, हु वाज इंट्रोड्यूस द पास्कल कैलकुलेटर, किसने पास्कल कैलकुलेटर यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया था? चार्ल्स बेबेज, जॉन मार्शली या ब्लेस पास्कल या नन ऑफ दीस? तो इनके नाम भी पास्कल आ रहा है जो अब थर्ड ऑप्शन है, तो इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है हमारा, आप इसे याद रख सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बस ब्लेस पास्कल। ठीक है, आगे चलते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स बेबेज, एलन टर्निंग या नन ऑफ दीस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड, एलन टर्निंग। ठीक है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है फर्स्ट एनिक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। वैसे तो ये सारे ही फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड हैं, बट हमारा जो फर्स्ट है वो है एनिक। ठीक है, आगे चलते हैं, एडवेक स्टैंड फॉर, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो अलग से सेपरेट सारी फॉल फॉर्म्स मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, वैसे मैं क्वेश्चंस में बीच बीच में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डाल दूंगी। ठीक है, तो एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये हमारी होती है एडविक की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, उसका नाम क्या है? अब आपको इतना तो पता होगा कि सुपर कंप्यूटर परम है, लेकिन ये वाले जो 10,000, 8,000, 5,000 है, इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, परम 8,000। ठीक है, तो आपको ये 8,000 याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आखिर कौन सा है? ठीक है, तो वो है एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन या फिर कोलास या फिर यूनिवेक। तुम्हारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है यूनिवेक। ठीक है, आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो हमारे कंप्यूटर का टाइप नहीं है, तो क्या है वो? वो है ऑप्शन नंबर फोर, डिजिटल। ठीक है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर, डिजिटल। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर द ऑटोमेटिक ऑपरेशन, कौन सा कंप्यूटर है जो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है? तो है हमारा हाइब्रिड, ये हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इससे बाद एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो इन्हें अच्छे से पढ़ो, मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगी और एमसीक्यूज़ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों को ही प्रोसेस कर लेता है, उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, उसको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर था वो था हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग, ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? पब्लिक कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर?
तो हम यूज़ करते हैं फोर्थ सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश कंप्यूटर आर लोअर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज एंड कैपेसिटी। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारा, स्पीड और स्टोरेज के अकॉर्डिंग कौन सा कंप्यूटर है जो उससे लोअर है, तो वो हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल इंटेंसिव, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, या नॉन ऑफ दीज। सुपर कंप्यूटर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूजफुल है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? ए एडवर्ड रॉबर्ट, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, या नन ऑफ दीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है। तो ये इनका, ये है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चिप यूज इन द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, जो चिप लगती है कंप्यूटर में वो कौन से किसकी बनी होती है? फर्स्ट आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन, नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, सिलिकॉन। ओके, आगे चलते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज, कौन सी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है जो डेवलप हुई थी? कोबाल, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रन, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, फोर्ट्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई लेवल लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि डायरेक्टली यूज कर अंडरस्टूड करता है बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम के, तो वो कौन सी लैंग्वेज है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मशीन लैंग्वेज। ओके, इसका ऑप्शन है सेकेंड, मशीन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, जो प्रोसेसिंग स्पीड थी हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो वो कितनी थी? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, या नन ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट आंसर है मिली सेकेंड, हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। हु वॉज क्रिएटेड बुलियन एलजेब्रा, किसने क्रिएट किया था? जॉन बर्डन, जॉर्ज बुले, जॉर्ज बुश, नन ऑफ दीस। तो बुले आ रहा है, जॉर्ज बुले सेकंड में, तो मतलब इन्होंने इन्वेंट किया था बुलियन एलजेब्रा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? जॉर्ज बर्डिन, रॉबर्ट नाइसी, जॉर्ज बुश, ऑल ऑफ देम, या नन ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जॉर्ज बर्डिन, बर्डिन। ओके, तो आपको इन्वेंटर्स अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, पूछा जा सकता है कि फादर कौन है, इन्वेंटर कौन है, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का फादर किसे बोला गया है? स्टीव जॉब, विंडस्काफ, टिम बर्नर्ली, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, विंडस्काफ, विंडस्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे MCQs ख़त्म होते हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आए हो ये MCQs। सो या
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम थ्योरी ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारे MCQs एग्ज़ाम के लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इस बार कुछ नहीं आएगा, तो आपको अच्छे से ये MCQs पढ़ने हैं। और सबके फादर्स इन्वेंटर्स आपको याद रखने हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूँगी फादर्स और इन्वेंटर्स की, जिसमें सब कुछ ये चीज़ लिखी होगी एक साथ, फिर आप एक साथ उसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।